हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए माफिया रिवेंज के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम देखा था कि हमारा विंग और लानजान जो है ना, जियांग फिमियन के घर से वापस आ रहे थे, तो वो लानजान ने बीच रास्ते में कार को रुकवा दिया था। जहाँ पे रुकने के बाद जो है विंग शॉक था, जहाँ पे हमारा लानवांग जी बाहर निकला था, जिसके बाद जो है ना विंग से कहा था तुम भी बाहर निकलो, जहाँ पे विंग डरते हुए बाहर निकल गया, जहाँ पे उसने अंधेरा देखा, जहाँ पे हमारा विंग कहता हम यहाँ पे क्या कर रहे, जहाँ पे हमारा लानवांग जी सिर्फ एक चुटकी बजा था, जिसके बाद जो है ना एक ब्लू कलर की लाइट जो चमक थी, जिसके बाद जो है ना उस जंगल के अंदर एक रास्ता क्रिएट होता है और वो रास्ता पूरी तरह से चमक रहा था और विंग शॉक था। जहाँ पे विंग शॉकिंग देख रहा था, जहाँ पे लानजान जो है ना विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे लेके जाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद लानवांग जी विंग को लेके जा रहा था, विंग डरते हुए उसके पीछे चल रहा था, क्योंकि रात के सन्नाटे में जो है ना छोटे छोटे पंछियों की आवाज़ें, अलग तरीके से आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें विंग को सुनाई दे रही थी। विंग डर रहा था, विंग को इस अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये पूरी तरह से जंगल था, सिर्फ कुछ जहाँ जहाँ वो चल रहे थे ना वहीं पे रोशनी थी, और उसे लानवांग जी लेके चल रहा था। जहाँ पे विंग ने लानवांग जी को जाके उसके जो ना आर्म्स को ही पकड़ लिया कस के, और लानवांग जी कहता है शांत हो जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग डरते हुए कहता हम यहाँ पे क्या कर रहे, तो लानवांग जी कहता है चलो विंग मेरे साथ सिर्फ, ऐसे कहता है। और ऐसे करते हुए वो जंगलों के बीच में पहुँच जाते, जहाँ पे पहुँचने के बाद जो है ना हमारा विंग उस ओर देखता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग आ रही थी। और जैसे जैसे वो लोग करीब पहुँचते हैं ना, तो विंग देखता है कि वो एक जो है ना घर है करके, तो विंग शौक था। बट हमारा लानवांग जी विंग को लेके जा रहा था, विंग चल रहा था और उस घर में पूरी तरह से लाइटिंग से वो सजा हुआ था और कुछ अच्छी फ्रेशनेस भरी खुशबू भी आ रही थी। तभी उस घर में से दो लोग बाहर निकलते और आने के बाद जो है ना विंग और लानजान को ग्रीट करते, जहाँ पे विंग तो शॉकिंग देख रहा था। जहाँ पे वो दोनों कहते मास्टर हमने सब कुछ रेडी कर दिया है, जहाँ पे हमारा लानवांग जी सिर्फ उनको नोट करता है। जहाँ पे वो दोनों वहाँ से दोनों चले जाते हैं और विंग और वांग जी वहीं पे थे, जहाँ पे वांग जी विंग को अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग उस घर को देखता है, जहाँ पे वो घर इतना ज़्यादा प्रीटी था ना, छोटा ही घर था, इतना बड़ा भी नहीं था, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। विंग उस घर को देखता है, जहाँ पे उस घर में एक छोटा सा हॉल था, वहाँ पे काउच रखे हुए थे, छोटी टीवी थी, जहाँ पे सब कुछ स्मॉल था, इतना जैसे लानजान का जो मेंशन है ना वैसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे सब कुछ छोटा ही था और छोटा सा ही घर था। वहाँ पे एक छोटा किचन दिखता है, जहाँ पे विंग सारी चीज़ों को एडमायर कर रहा था, देख रहा था लानवांग जी से जो है ना। उन सारी चीज़ों के बाद जो है ना लानवांग जी साइड में एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जहाँ पे लानवांग जी ने पहले से सारी अरेंजमेंट लगवा दी थी, जिससे कोई भी यहाँ पे इस एरिया में ना आ सके करके। तो लानवांग जी वो सारी शील्ड को ऑन कर देता है, जिसके बाद जो है ना वो विंग के पास आता है। विंग घर को ही देख रहा था, जहाँ पे लानवांग जी विंग से कहता है विंग, तो विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे हमारा लानवांग जी कहता है तुम्हें भूख लगी है, तो विंग हमारे लानवांग जी की ओर देखता है और कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगी, हम अभी तो खा के आए हैं ना। तो लानवांग जी सिर्फ हाँ में से रिलाता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी जो ना विंग से कहते हैं हम मूवी देखते हैं, जहाँ पे विंग उसकी ओर दिखता है, जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आ रहा था पहली बात तो वो लोग यहाँ पे क्यों है, वो घर में जाके भी मूवी देख सकते, यहाँ पे स्पेशली आने की क्या ज़रूरत थी इतनी रात को, वो भी जंगल में। और विंग को थोड़ा सा डर भी था अगर कोई जंगली जानवरों ने हमला कर दिया तो, बट लानवांग जी काम था तो विंग भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और विंग सिर्फ हाँ में से रिलाता है, जहाँ पे लानवांग जी एक मूवी को ऑन करता है। और विंग वैसे ही बैठा हुआ, तो लानवांग जी जाता है और पीछे से पॉपकॉर्न लेके आता है, और विंग यहाँ पे पॉपकॉर्न को देख के शॉक था। यहाँ पे कैसे, जहाँ पे विंग की आँखों को देखते हुए लानवांग जी कहता है मैंने उन्हें ये सारी चीज़ें बनाने के लिए पहले से कह दिया था, तो विंग कहता है इसका मतलब तुम्हारा पहले से प्लान था कि हम लोग यहाँ पे आएंगे करके, तो लानवांग जी हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है अच्छा, तो विंग कहता है बट हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो लानवांग जी कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे रहना चाहता था कुछ टाइम तक, तो विंग कहता है बट क्यों, तो लानवांग जी कहता है ऐसे ही तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि आज तुमने अच्छे से बिहेव किया इसलिए, तो विंग उसकी ओर देख रहा था। तो लानवांग जी कहता है आज तुमने अच्छे से बिहेव किया ना, तुम अच्छे से रहे, कुछ भी गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की, तुम्हारे फैमिली के सामने होने के बावजूद भी तुमने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया, तो विंग लानवांग जी की ओर देखता है और लानवांग जी कहता है इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ मैं, अगर तुम अच्छे से रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छे से ही रहूँगा, तो विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे लानवांग जी विंग के फेस की ओर देखते हुए कहता है क्या हुआ, कुछ सोच रहे हो तुम, विंग कहता है कुछ भी नहीं, जहाँ पे
लाडवांग जी जो है विंग के फेस पे धीरे से सहलाते हुए कहता है, विंग तुम क्यों नहीं समझ रहे मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पे विंग लाडवांग जी के मुंह से ये कन्फेशन सुनने के बाद, विंग ने बहुत बार सुना है बट इस बार लाडवांग जो है एक फीलिंग के साथ कह रहा है। कितनी बार उसने गुस्से से कहा है, इमोशनल लेस तरीके से कहा है, तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक्सेट्रा जो चीज़ कही। बट लाडवांग जी जो इस बार जो बहुत ज़्यादा ही प्यार से कह रहा था, विंग उसकी ओर देख रहा था। जहाँ पे लाडवांग जी कहता है, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, तुम मेरी फीलिंग को समझ नहीं पाओगे, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ये सब जो कुछ भी किया है इसके कारण, बट मैं चाहता हूँ कि विंग तुम मुझे एक चांस दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जहाँ पे विंग जो है ना लाडवांग जी की ओर देखता है और लाडवांग जी के हाथ को जो दूर झड़कते हुए कहता है, ऐसा नाटक मत करो मेरे सामने, ऐसे कहता है। जहाँ पे लाडवांग जी उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या? तो विंग कहता है, ये नाटक मत करो मेरे सामने और तुम मेरी फैमिली को कुछ करो ना, ऐसा ऐसा कुछ ना हो किसी के साथ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ इसलिए अच्छा हूँ और मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और प्यार करने की कोशिश ही भला मैं तुम्हारे साथ क्यों करूँगा, जिसने इतने सारे लोगों को मारा है वो भी मेरे आँखों के सामने तड़पाते हुए, और आखिर में वो दोष सारा जो कुछ भी तुमने मारा है ना, वो सारा दोष मुझ पर ही आके रुक गया। तो हमारा लाडवांग जी उसकी ओर देखता है और लाडवांग जी विंग की ओर देखता है, बट विंग मैं तो वो सब तुम्हारे तो विंग कहता है, श मुझे कुछ भी सुनना नहीं है और हम यहाँ पे मूवी देख रहे हैं, तो वही ठीक है, मूवी ही देखो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है, लाडवांग जी मुझे बताएं, तुम उसे प्यार करो या ना करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है और मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम उसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, ये बार बार मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है तुम्हारे, और तुम भी जानते हो मेरी मजबूरी है तुम्हारे साथ रहना, मैं कोई तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ, तुम सिर्फ मुझे हर बार अपने हाथों पे कठपुतली की तरह नचाना चाहते हो, इतना ही, इतना मुझे पता है कि तुम हर बार मुझे नचाना चाहते हो और मैं तुम्हारे हिसाब से रहने की कोशिश कर रहा हूँ, और अब मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं खुद को मारने की कोशिश भी नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वो भी घुट घुट के रहूँगा, तुम्हें तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में घुट घुट के रहूँगा तो तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा, तुम तो बहुत ज़्यादा खुश हो ना, तुम्हें मुझे अपने साथ ज़बरदस्ती रख के तुम तो बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हारे रवैये से ही मुझे समझ में आ रहा है मेरी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं है, तुम मेरे अपनी फीलिंग को मेरे ऊपर थोपते जा रहे हो, मेरी फीलिंग की कोई वैल्यू नहीं, मेरे बारे में इतना सा भी नहीं सोच रहे हो, तुम जो चाहते हो तुम वो पाने की कोशिश कर रहे हो, तुम हर रोज़ मुझे तड़पाते हो, हर रोज़ मैं अपने लिए मरने की दुआ मांगता हूँ, मरने की कोशिश कितनी बार की है, खुद को मारने की कोशिश की, बट तुम हर बार मुझे बचाते हो, क्यों? तुम्हारे पास ऐसे ही कैद रहने के लिए तुम अपना फेक प्यार मुझे दिखा रहे हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते ना मुझे आज़ादी से छोड़ देते, बट नहीं, तुमने मुझे कैद करने की कोशिश की, कैद करने की कोशिश नहीं कर सकता, पूरी तरह से कैद कर दिया है, जहाँ पे मैं खुद की मर्ज़ी से उस मेंशन से बाहर भी नहीं निकल सकता, और आज मैं तुम्हारे साथ जो निकला हूँ ना, आज मुझे इतना अच्छा लगा ना इस मेंशन से बाहर निकलने का, मैं बहुत, जहाँ पे मैंने अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया ना, तुम्हारे साथ इतने महीनों तक रहने से ज़्यादा उतना, सिर्फ उनके साथ सिर्फ 2-3 घंटे रहने के बाद भी इतना अच्छा महसूस हुआ, बट तुम्हारे साथ 6 महीने हो चुके, इतने साल 6 महीने हो चुके मैं तुम्हारे साथ रह चुका हूँ, बट एक बार भी मुझे बेहतर अच्छा कभी भी फील नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे साथ रहना यानी अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करना है, तुम्हारे साथ मेरे जैसा इंसान रह भी कह सकता है, मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था बट पता नहीं था दोस्त के भेस में तुम एक भेड़िए हो जो हर बार मुझे नोचना चाहते हो, तुम जो है ना हर बार मेरा नाम लेते हो, लोगों को मारते हो, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करते हो तो तुम बहुत बड़े महान हो गए, तुम इतनी आसानी से लोगों को मार पाते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत बड़े महान हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ बट मैं दूसरे लोगों को खोने से डरता हूँ, मैं उनको जानता भी नहीं फिर भी तुम उन्हें मेरे सामने ऐसे काटते थे, मारते थे बुरी तरह से, मुझे कैसा लगता होगा, तुमने आज तक सोचा है? बिल्कुल भी नहीं, अपनी फीलिंग हर बार मेरे पे थोपते आए हो, बिल्कुल पूरी तरह से हर बार मुझ पे थोपते आए हो। और लाडवांग जी विंग के मुँह से ये कड़वे शब्द वो सुनते जा रहा था, जहाँ पे लाडवांग जी विंग की ओर देखता है और कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो? तो विंग कहता है, मैं तुमसे आज़ादी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, काश मेरी जगह पे तुम मर जाते तो कितना अच्छा होता ना, मैं तुम्हारी बिल्कुल भी शक्ल नहीं देखना चाहता, मैं इतनी बार मरने की कोशिश करता हूँ बट एक बार भी नहीं मर पाया हूँ, काश तुम मेरी जगह पे मर जाते तो मुझे बहुत बेहतर फील होता, मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ, बिल्कुल भी दूर, मैं तुम जैसा इंसान अपनी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं तुमसे प्यार भी नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, तुम आज इतने महीने हो चुके हम एक साथ हैं, तुम समझ नहीं पाए मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, और तुम जो कुछ भी करते हो तुम खुद की मर्ज़ी से करते हो, तुम्हें चाहिए, तुम इसलिए मेरे अंदर वो ड्रग्स इंजेक्ट करते हो और मेरे साथ सोते हो, मैंने आज तक
तुम जैसा घटिया इंसान आज तक कभी देखा नहीं। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, बट आज तुम्हें दोस्त कहने में भी मुझे घिन आती है। मेरा ऐसा दोस्त कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसे कहता है। जहाँ पे लानवांग जी विंग की ओर देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है, और मुझे फिर से डराने की कोशिश भी मत करना तुम, ऐसे कहता है। जहाँ पे हमारा लानवांग जी विंग की ओर देख रहा था, और लानवांग जी विंग की ओर देखते कहता है, तुम मुझसे छुटकारा चाहते हो? तो विंग कहता है, हाँ मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से दूर। और मैं नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ सारे लोग घुट घुट के जीते, तुम्हें पता भी है, सब लोग तुमसे दूर होना चाहते, बट तुम उनको ज़बरदस्ती से अपने पास रख रहे हो। तुम तुम्हारे भैया भी तुम्हारे साथ रह रहे के उनका भी दम घुटता है, और डॉक्टर वेंचिंग वो भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते। कोई भी वहाँ पे कोई भी स्टाफ तुम्हारी बात भी नहीं माना चाहता, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो सब लोग तुमसे डरते हैं, इसलिए कोई भी तुमसे प्यार नहीं करता, समझ गए ना? कोई भी नहीं, मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। और लानवांग जी सिर्फ विंग को देख रहा था, और तभी जो ना लानवांग जी के घर के जो अलार्म था ना वो बजता है, जहाँ पे लानवांग जी अलार्म के कारण होश में आता है, और वो विंग की ओर देखते, जहाँ पे विंग भी ये अचानक से रेड लाइट बजने के कारण विंग भी थोड़ा डर जाता है, और लानवांग जी जो है ना सीसीटीवी फुटेज देखना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो लानवांग जी को एक साइड में जाते हुए कुछ लैपटॉप में करते हुए देख रहा था, जहाँ पे विंग ये बार बार अलार्म बज रहा था, विंग डर चुका था। जहाँ पे लानवांग जी जो है ना सामने अपने स्क्रीन पे सारी चीज़ें देखने के बाद जो है ना वो विंग की ओर देखता है, जिसके बाद जो है ना लानवांग जी जो है ना एक एम्बुलप का अपने जो पॉकेट से निकालता है, और विंग की ओर रखते हुए कहता है, इस कमरे से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, बिल्कुल भी बाहर मत निकलना। जहाँ पे विंग कहता है, क्या क्यों क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या? तो लानवांग जी विंग से कहता है, इस कमरे से बिल्कुल भी बाहर मत निकलना, ऐसे कहता है। और अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम इस एम्बुलप को पढ़ लेना। जहाँ पे विंग कहता है, क्या क्या मतलब है, तुम मुझे यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते, ऐसे कहता है। जहाँ पे लानवांग जी तब तक बाहर निकल चुका था, बाहर जाने के बाद जो है ना वो गेट को लगा देता है, पूरी तरह से लॉक कर देता है सारी तरीके से, और बाहर से कहता है, अगर मैं वापस नहीं आया ना तो अंदर फ़ोन भी रखा है, उस फ़ोन से कॉल करना, बट इतनी जल्दी नहीं, मॉर्निंग में ही फ़ोन को यूज़ करना। जहाँ पे विंग कहता है, तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा सकते, कहाँ जा रहे हो, जंगल में मुझे अकेला क्यों छोड़ के जा रहे हो? लानवांग जी कुछ कहता नहीं, और लानवांग जी बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो है ना लानवांग जी अपनी कार से गन निकालता है, और लानवांग जी ब्लूटूथ के जरिए से अपने गार्ड्स से कॉन्टैक्ट करता है, जहाँ पे वो अपने गार्ड्स को बता देता है, जिसके बाद लानवांग जी बाहर आता है। बाहर आने के बाद लानवांग जी इधर उधर देखता है, जहाँ पे इस अंधेरे में बहुत सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट सामने वाले लोगों को हमारा वांग जी पूरी तरह से दिख रहा था। जहाँ पे वांग जी के ऊपर गन फायर होती है, इसके बाद जो है ना वांग जी अपने कार का सहारा लेते हुए छुप जाता है, बट गन फायर बहुत बार हो रही थी और वांग जी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और वो लोग जो है ना वांग जी का जो बैरियर था, यानी जो वांग जी ने प्रोटेक्शन शील्ड बनाई थी ना, उस शील्ड को भी तोड़ देते हैं, और उस शील्ड को तोड़ने के बाद वो अंदर आ रहे थे, क्योंकि वांग जी ने जो है ना कुछ डिवाइस के कारण जो है ना अपने घर के आजू बाजू में पूरी तरह से एक शील्ड क्रिएट की थी, जिस शील्ड को टेक्नोलॉजी की मदद से ही तोड़ा जा सकता था, बट सामने वाला इंसान लगता है बहुत ज़्यादा शातिर है, तो वो शील्ड भी टूट चुकी थी, और वांग जी पूरा शौक था। और वांग जी इन सारी चीज़ों को देख रहा था, उन लोगों को देख रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ही थे और उनके हाथों में बस गन थी। वांग जी ये सारी चीज़ें देखता है, और वांग जी इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो एक बार अपने घर की ओर देखता है, और वांग जी मन में कहता है, मैं विंग को कुछ भी होने नहीं दे सकता, इसलिए वांग जी जो है ना वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। और जो जो लोग थे ना वो झाड़ियों में छुपे थे ब्लैक कलर के क्लोथ पहने हुए, वो सारे लोग बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, और वांग जी दौड़ते हुए जो है ना रास्ते से क्रॉस होते दौड़ते हुए चलते जा रहा था, दौड़ते हुए जा रहा था, और बीच में पत्थर आ रहे थे, वांग जी गिर भी रहा था, फिर भी वो चलते जा रहा था, उसके पीछे बहुत सारे लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग फायर कर रहे थे, वांग जी कैसे भी करके बचते हुए जा रहा था। और वांग जी कुछ टाइम के बाद एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, जहाँ पे एक इंसान कहता है, उसे ढूंढ के निकालो, आज उसे हम ख़त्म करके रखेंगे, ख़त्म करके ही रहेंगे, ऐसे कहता है। और सारे लोग जो थे ना वो वांग जी के पीछे दौड़ रहे थे। दूसरी तरफ विंग घबरा चुका था जब उसने फायर की आवाज़ सुनी थी, और विंग कहता है, क्या हो रहा है ये सब, क्या हो रहा है, ऐसे विंग कहता है, और विंग को डर लगना स्टार्ट हो जाता है, और विंग कहता है, क्या हो रहा है, और विंग बाहर देखने की कोशिश करता है, बट विंग को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और विंग जो है ना बहुत बाहर देखने की कोशिश करता है, बट ऐसा था ना कि वांग जी ने कुछ ऐसे विंडोज़ बनाए थे कि वो बुलेट प्रूफ थे, और ऊपर से जो ना विंग बाहर की कुछ भी चीज़ें देखने की कोशिश करेगा बट विंग को नहीं दिखेगा, बट देखने का भी एक अलग तरीका था, बट विंग को कुछ भी नहीं पता था, विंग पहली बार इस घर में आया था ना इसके कारण। तो
हमारा विंग बहुत बार कोशिश करता है पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था, और विंग का ध्यान उस एम्बुलप पे जाता है जहाँ पे विंग उस एम्बुलप की ओर देखता है और कहता है इसमें क्या है। उसने कहा था कि अगर वो नहीं आया तो, बट वो कब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो कहाँ गया है, ऐसे विंग सोचता है। और विंग बार बार उस एम्बुलप की ओर देख रहा था और विंग के अंदर की क्यूरियोसिटी उसे जो है ना कल तक की वेट करने का मौका ही नहीं देती, और विंग उस एम्बुलप को खोल देता है, जिसके बाद जो है ना विंग उस एम्बुलप में जो लिखा हुआ था वो पढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पे लिखा था, विंग मुझे लगता है कि मैंने जो टाइम दिया था उससे पहले ही तुमने इस एम्बुलप को खोल दिया है। लगता है कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी अभी भी बरकरार है हर चीज़ के कारण। जैसे कि हम जब कॉलेज में मिले थे तब तुम्हारी क्यूरियोसिटी थी मुझसे दोस्ती करने की और हम दोनों दोस्त बने, जहाँ पे मैं तुम्हारे साथ हर टाइम रहना चाहता था हर टाइम, बट उस टाइम पे हम अलग हो गए, हमारे सेमेस्टर ख़त्म हो गए, उसके बाद हम दोनों अलग हुए, जहाँ पे 3 साल तक मैंने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया, तब मैं दूर था, सबसे दूर, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करने में था, जहाँ पे बहुत सारे मैंने रास्ते अपनाए, जहाँ पे मैं माफिया वर्ल्ड में गया, जहाँ पे इतने सारे लोगों से लड़ाई की, जहाँ पे मुझे घाव भी मिले उन सारी चीज़ों में, बट मुझे तुम्हारा फेस हरदम याद था, तुम्हारे फेस की स्माइल, जब मैं तुम्हारे साथ बातें करता था, मैं किसी से बात नहीं कर पाता बट तुम एक ऐसे इंसान थे जिसके साथ मुझे बातें करके बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और मुझे तुम्हारी हर बात याद आती थी। बहुत बार मैं मर के खुद की मेरी जो हर बार बहुत बार जान जाने की नौबत आई, बट तुम्हारा हर बार प्यारा सा फेस मुझे याद दिलाता था कि तुम मेरा वेट कर रहे होंगे, तुम मुझे मिस करते होंगे, बिल्कुल मैं तुम्हें हर बार याद करता था। ऐसे ही करते हुए 3 साल बीत गए, जहाँ पे बहुत सारी चोटों के साथ था मैं, बट तुम्हारा फेस देखने के बाद हर बार मेरे फेस पे स्माइल आती थी। जिस टाइम पे मैं तुम्हारे कैफ़े में आया था मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, तुम कैसे वहाँ पे थे, कितने ज़्यादा प्रिटी हो चुके थे, और भी ज़्यादा 3 साल पहले मैंने जब तुम्हें देखा था ना, अब तो उससे भी ज़्यादा तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे। और मैंने जब तुमसे बात की, तुमने मुझे कॉफ़ी के लिए पूछा, तुम्हारे हाथों की जब मैंने कॉफ़ी पी, सच में उस टाइम पे मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ ना कि बहुत ज़्यादा, जो 3 साल हम एक दूसरे से दूर थे ना, वो एक दिन में ही वो दूरियाँ कम हो चुकी थी पूरी तरह से, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास रोज़ आते गया, रोज़ तुमसे बातें की, रोज़, बट तुम्हारे करीब जो भी इंसान आता था ना मुझे बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, बट ऐसा पता नहीं कि मेरा माफियापन कैसे उन लोगों पर हावी हो गया और मैंने कैसे उन लोगों की जान ले ली। मैं उन लोगों की जान लेना भी नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं, बट उसके बाद मुझे पता चला कि वो लोग तुम्हारे पास जानबूझ के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझ के। वो क्यों जानबूझ के क्यों, क्योंकि सबको पता चल चुका था कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तो उन लोगों को पैसे दिए, जहाँ पे वो लोग तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे, तुमसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ विंग, वो तुम्हारे रेगुलर कस्टमर थे बट उन लोगों को पैसे दिए गए थे जो तुम्हारे करीब आ सके, तुम्हारा दिल जीत सके, जिसके बाद तुम्हारे फ़ायदा उठा सके। और मैं ये सारी चीज़ें जानने के बाद मैं भला क्यों उन लोगों को ज़िंदा कैसे रहने दे सकता है, अगर वो लोग फ्यूचर में मेरे विंग को हर्ट करेंगे तो मैं उन्हें कैसे ज़िंदा रहने दे सकता था, पता नहीं। इसलिए मैंने उन लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था, और अगर मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बताता तो तुम उल्टा मुझ पर गुस्सा हो जाते, तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते, और इसलिए मैंने उन लोगों को मारा। और मुझे नहीं पता था कि लास्ट टाइम तुम मुझे देख लोगों करके, मुझे नहीं पता था कि तुम तब मुझे फॉलो करते हुए उस गोडाउन में आ जाओगे करके, बिल्कुल भी नहीं पता था। अगर मुझे उस टाइम पे पता होता ना भी, सच में मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तुम्हारे सामने नॉर्मल रहता बिल्कुल, बट काश नियति को यही मंजूर था और मैंने उस इंसान को मार डाला और तुम मेरे सामने थे। उस इंसान ने कहा था कि सिर्फ मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैं ये सब कर रहा था, बट मैं कुछ भी नहीं सोच पाया, कुछ भी नहीं सुन पाया और मैंने उस इंसान को मार डाला। मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पछता हुआ था क्योंकि सारी चीज़ें तुमने देख ली थी, जिसके बाद मैं समझ चुका था कि तुम आज के बाद मेरे साथ बात भी नहीं करोगे, मुझसे दूर रहोगी और मुझे पुलिस के पास जाने के लिए कहोगे, मुझे पता था, बट मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों को संभालना था, सारी चीज़ें संभालने के बाद हाँ एक बार मैं तुम्हारी बात भी मान लेता, बट नहीं, उस टाइम पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरी फ्रीडम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी, और तुम जिसे मैं प्यार करता था पूरी तरह से, मैं तुम्हें उस टाइम से प्यार करने लग गया जब विंग हम दोनों एक दूसरे से दोस्त बने थे पूरी तरह से। मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, हर वक्त मैं तुम्हें अपने पास चाहता था, बट कुछ मजबूरी के कारण हम लोग एक दूसरे से दूर हुए।